मध्य प्रदेश में कोरोना का गढ़ बन चुका इंदौर शहर में किसी भी धर्म आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में हर रविवार को लॉकडाउन होने के बावजूद भी इंदौर के खजराना क्षेत्र में मुहर्रम पर बिना अनुमति के ताजिए निकाले गए, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। जहां इंदौर शहर में हर रोज एक बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, ऐसे में इस तरीके के आयोजन करके कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। इंदौर कलेक्टर ने कहा कि मुहर्रम और गणेश स्थापना और विसर्जन चल समारोह तक के संबंध में शांति समिति की बैठक आयोजित पहले ही की गई थी, जिसमें सभी धर्म गुरुओं और जनप्रतिनिधियों से बात की गई थी और सभी चीजों की सहमति दी गई थी, जिसमें कोई भी आयोजन करना प्रतिबंधित था। लेकिन उसके बावजूद भी शहर में इस तरीके का आयोजन किया गया है और ताजी और जुलूस निकाले गए हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और गलत मैसेज चलाने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में उन्होंने DIG से भी चर्चा की है। कलेक्टर मनीष सिंह ने खजाना आयोजन में क्षेत्रीय SDM, CSP और TI की लापरवाही भी मानी है और SDM को तो इस मामले को लेकर शोकाज नोटिस भी भेजा है। इधर कलेक्टर मनीष सिंह ने अधिकारियों को सचेत भी कर दिया है कि हर मामले पर वो स्वयं निगरानी रखें और जरूरत पड़ने पर आला अधिकारियों से संपर्क करें। वहीं बताया जा रहा है कि अग्रवाल पब्लिक स्कूल की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने कहा कि पालकों को बुलाया गया है और मैं भी मौजूद रहूंगा। वहीं उन्होंने स्कूली फीस को लेकर कहा कि जो भी इश्यूज हैं वो ट्यूशन फीस को लेकर हैं और मामला माननीय न्यायालय में, इसलिए इस मामले में प्रशासन को ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है और जो कोर्ट का निर्णय होगा उस हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे। वहीं नजरिए अस्पतालों की मनमानी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिसके लिए कहा कि निजी अस्पतालों के संबंध में आ रही शिकायतों के संबंध में जल्द ही जरूरी मामलों में निर्णय लिया जाएगा। वहीं सोडानी लैब की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने शोकाज नोटिस जारी करने की बात कही और हो सकता है कि सोडानी लैब टेस्टिंग किट और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स को फिर से सर्टिफाइड करने के आदेश दिए जाएंगे। वहीं शहर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिशा निर्देशों के जारी कर दिए गए हैं। संक्रमण के संबंध में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने साफ किया है कि इस संबंध में हमने निगम को अवगत कराया है और निगम आज से स्पॉट फाइन की कार्यवाही शुरू करेगा। देखिए, इसमें गैदरिंग अलाउड नहीं रहेगी, बड़ा स्पष्ट बेसिक मापदंड है, कोई भी त्यौहार होगा गैदरिंग अलाउड नहीं होगी इसमें। कि हम इसी जिस तरीके से ताजिए निकाले गए हैं, इसी तरीके से हम अनंत चौदस पे भी झांके और जो गणेश विसर्जन है उसका प्रोग्राम करेंगे, तो इसके संबंध में क्या आदेश जारी करेंगे या फिर क्या उनको? क्योंकि ये बात मैंने नहीं बोली है, किसी अन्य व्यक्ति ने बोली है, इसलिए मैं इसको जवाब नहीं दे सकता। आज से हमने नगर निगम से रिक्वेस्ट किया है, स्पॉट फाइन बढ़ाए भी है, नगर निगम आज से स्पॉट फाइन शुरू कर रहा है फिर से, उसमें ऐसे केसेस को लिए जाएंगे। सर, स्कूल फीस को लेकर भी लगातार अभिभावक जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अपनी अपनी तरह से, उनकी कुछ मांगे हैं कि स्कूल पूरी तरह से। आज उनका एक जो अग्रवाल पब्लिक स्कूल का एक कुछ पालकों का कमीशन साहब ने बुलाया है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, और इश्यूज बेसिकली ये है, ट्यूशन फीस नहीं देना चाहते हैं, मैटर अंडर सब ज्यूडिस है, लिटिगेशन में है, माननीय न्यायालय में है, इसलिए उसमें हम लोग बहुत कुछ लिखा पढ़ी कर नहीं सकते हैं इसमें, और जो कोर्ट डिसाइड करेगा उस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, सोडानी जो एक निजी लैब है उसके खिलाफ भी शिकायत मिली है, उस तरीके का है, मास्क उन्हें ठीक से लगाइए। सोडानी की शिकायत मिली थी कि उनके यहाँ पॉजिटिव आया, उसी दिन उस पेशेंट ने दो अन्य लैब्स में जांच कराई और उसमें एक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी थी और दोनों में निगेटिव आया, तो शिकायत की है उसकी, हमने शोकाज नोटिस जारी कर दिया सोडानी लैब को, देखते हैं उनका क्या कहना है, और हो सकेगा तो फिर से सोडानी लैब की जो टेस्टिंग किट्स हैं या टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उसको हम लोग उनसे बोलेंगे कि आप सर्टिफाई कराइए फिर से, जो भी इसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उससे। अस्पतालों को लेकर सर, आपने जो अभी रिसेंट तैयार किया है नया स्ट्रक्चर जो है या जांच को लेकर, क्या स्ट्रक्चर सर रहेगा इस बार और किस तरह से आगे? अभी चर्चा चल रही है उस पर, IMA के डॉक्टर्स से कल भी चर्चा हुई है हम लोगों की, कुछ अस्पताल संचालकों से भी चर्चा चल रही है, और वो तो जब पूरा चर्चा का निर्णय होगा तभी हम बतला पाएंगे आपको उसको, थोड़ा उसमें बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे पहलुओं पर उसमें देखना पड़ेगा उसमें, और देख करके और चर्चा करके, क्योंकि सहमति से ही हो सकता है रेट कम, क्योंकि निजी अस्पतालों का सहयोग भी इस समय ज़रूरी है शहर के लिए, पर यह है कि ये भी ज़रूरी है इंश्योर करेंगे हम लोग कि जो अनावश्यक जो ये चार्जेस कुछ हेड्स में लग रहे हैं ये ना लगें। कल का जो ऑर्डर किया था उससे चूँकि अर्ली डिस्चार्ज होगा लोगों का,
और दवाइयों को लेकर के, अर्ली डिस्चार्ज को लेकर के और टेस्टिंग को लेकर के, इससे कुछ रिलीफ मिलेगी लोगों को अस्पताल में जो एडमिट है। बाकी आगे जो विषय है, चाहे आइसोलेशन का हो, चाहे पीपी किट का हो, चाहे यूनिवर्सल प्रोटेक्शन को लेकर के जो चार्जेस लगा रहे हैं, उसको भी अब चर्चा करके फिर उसको फाइनलाइज कर पाएंगे। सर, कल खजराने में लॉकडाउन, मध्य प्रदेश में पूरा संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद, बिल्कुल सही है, जो शांति समिति की बैठक हुई थी उसमें खजराना से भी सभी धर्मों के धर्मगुरु भी आए थे उसमें, और जनप्रतिनिधि भी थे, इस खजराना से भी वहाँ के धर्मगुरु भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, और बड़ा स्पष्ट था कि कोई ताजिए नहीं निकलेंगे। ये भी निर्णय हुआ था कि ताजिए छोटे केवल घर पर रखे जाएंगे, सार्वजनिक जगहों पर नहीं रखे जाएंगे। और बाद में जब हम लोगों की प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, मजिस्ट्रेट पुलिस, नगर निगम और पंचायत की जब मीटिंग हुई थी, उसमें सभी अधिकारियों को बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ये सब चीज़ें जो शांति समिति में निर्णय हुआ है इसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना है। इसमें गलती दोनों तरफ से है, एक तरफ जिन लोगों ने किया है ये हरकत उनकी गलती स्पष्ट है। मैंने DIG सर से रिक्वेस्ट किया है कि इसमें जिनकी भी खुरापात है उनको आइडेंटिफाई करके उन पर रासुका बंद करना चाहिए उनको। कुछ लोगों ने गलत मैसेज चलाया कि ताजिए निकल रहे हैं, उनको भी मैंने DIG सर से रिक्वेस्ट किया है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए साइबर पुलिस से और उनमें रासुकाई कार्रवाई की जाए। पर इसमें सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने फितरत फैलाई है। TI और मजिस्ट्रेट की भी गलती है इसमें, TI को DIG सर ने लाइन अटैच कर दिया है, SDM को मैंने शोकॉज नोटिस अभी जारी हो रहा है हमारे यहाँ से, और वो हम गवर्नमेंट को उसके खिलाफ लिखेंगे, क्योंकि SDM की भी लापरवाही है, CSP की भी लापरवाही है और TI की भी लापरवाही है इसमें। तो इसमें कार्रवाई होगी, जो मजिस्ट्रेट में हमारा थाने में मजिस्ट्रेट जो हमारा है उसको भी शोकॉज नोटिस SDM के साथ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब प्रशासनिक लोग और मजिस्ट्रेट्स और पुलिस रहते तो इंटेलिजेंस नेटवर्क रहता है, बड़ा ताजिया था तो वहाँ ध्यान देना चाहिए था। और ये सब चीज़ों को निर्देश दिए गए थे मीटिंग में, हर ये अपेक्षा किसी को नहीं रखनी चाहिए कि हर किसी SDM CSP को DIG सर और या मैं हर किसी को गाइड करते फिरेंगे। एक बार निर्णय हो गया सख्ती से अमल करना चाहिए, सख्ती करने में कोई समस्या आ रही है तो हम लोगों को संपर्क करना चाहिए। सर, प्रदेश प्रवक्ता रिपोर्ट, KNN न्यूज़।